देखिए सबकी निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई है कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ कब लेंगे। और खबर ये आ रही है कि 20 मार्च को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी के साथ 55 से 60 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सोर्सेज के हवाले से ये बड़ी खबर आई है। और देखिए खबर ये भी है कि बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को भी इस दौरान न्योता दिया जा सकता है, यानी बीजेपी की तरफ से इस प्रचंड जीत के लिए भव्य स्वागत किया जाएगा, भव्य तैयारियां और भव्य शपथ समारोह। महाराज टू कितने महारथी, सीएम तय, डिप्टी सीएम कौन होगा, लखनऊ में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शपथ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। खबर है कि होली के बाद 20 या 21 मार्च को योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के साथ लखनऊ के इसी इकोना स्टेडियम में शपथ ले सकते हैं। समारोह को भव्य बनाने के लिए सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा जा सकता है। साथ ही यूपी के सभी जिलों में एलईडी स्क्रीन लगाकर शपथ ग्रहण को लाइव दिखाया जाएगा। इस बीच सीएम योगी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर लखनऊ लौट चुके हैं। दिल्ली में नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा हो चुकी है। सबसे ज्यादा चर्चा अब की बार डिप्टी सीएम के पद को लेकर है। खबर है कि स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी अध्यक्ष हैं, योगी सरकार एक में मंत्री रह चुके हैं और बड़े ओबीसी नेता हैं, जबकि पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य अनुसूचित समाज से आती हैं, तो वहीं ब्रजेश पाठक बड़ा ब्राह्मण चेहरा हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम के साथ 57 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इनमें 22 से 24 कैबिनेट मंत्री जबकि 7 से 9 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हो सकते हैं। खबर है कि शपथ ग्रहण से एक दो दिन पहले दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व के साथ योगी सरकार में शामिल होने वाले मंत्रियों के नाम को लेकर फाइनल मीटिंग हो सकती है। इसमें मुख्यमंत्री योगी, स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल की मौजूदगी में नामों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। क्या पुलिस की नौकरी छोड़कर आए राजेश्वर सिंह और असीम अरुण मंत्री बनेंगे? क्या अब दोनों पूर्व आईपीएससी संभालेंगे बाबा का मिशन बुलडोजर? क्या मुलायम की बगावती बहू अपर्णा यादव को योगी मंत्रिमंडल में मिलेगी जगह? क्या पूर्व आईएएस एके शर्मा को योगी सरकार 2 में जगह मिलेगी? रिकॉर्ड वोट से जीतने वाले राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को क्या मंत्रालय मिलेगा? खबर ये भी है कि स्वतंत्र देव सिंह के डिप्टी सीएम बनने के लिए संगठन मंत्री सुनील बंसल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार एक में डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को नई सरकार की जगह पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।